Dear modern stars, today I will explain the topic import data from other applications of chapter 5. Name is presentation visual effect. So, student, take your computer book and open page number 71. Okay, students, so topic is import data. Import data means किसी भी डाटा को दूसरी फाइल से कहीं और प्रोग्राम से प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट में उसको इंपोर्ट करना ओके फ्रॉम अदर एप्लीकेशन जो भी दूसरे एप्लीकेशन हैं लाइक एम एस एक्सल हो गया एम एस एम एस वर्ड हो गया या लाइक एम एस आपका एक्सेस हो गया या फिर आप पेंट से करना चाहते हैं नोट पैड इट मीनस किसी भी एप्लीकेशन से आप फाइल को लाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में तो उसके लिए इसी ऑप्शन का यूज करते कर सकते हैं ओके एंड स्टूडेंट्स वाई लास्ट वीडियो आई टॉट यू अबाउट हाउ कैन इंसर्ट म्यूजिक साउंड हाउ कैन एनिमेट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड हाउ कैन अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन यानी कि स्लाइड को हम ट्रांजिट कैसे कर सकते हैं हाउ कैन ट्रांजिट अ स्लाइड किसी भी स्लाइड को हम ट्रांजिट कैसे कर सकते हैं सो दिस इज अबाउट इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अदर एप्लीकेशन यू कैन इंपोर्ट कंटेंट फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स इन टू योर प्रेजेंटेशन यानी कि आप दूसरे एप्लीकेशन से कंटेंट को अपने प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं दिस इंक्लूड्स फाइल्स क्रिएटेड बाई अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके फोर प्रोग्राम्स वर्ड हो गया आपका एमएस एक्सएल हो गया एमएस एक्सिस हो गया और दिस जो प्रेजेंटेशन आप पढ़ रहे हैं एमएस पॉवर पॉइंट ओके एज वेल एज फाइल्स फ्रॉम अदर प्रोग्राम दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट लिंकिंग वो फाइल जो कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग को सपोर्ट करती है एंड इम्बेडिंग ओके देन आर टू बेच टू इंसर्ट कंटेंट ऑब्जेक्ट इन टू पॉइंट प्रेजेंटेशन और इसके दो तरीके हैं एक तो होता है लिंक्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू और एक इम्बेडेड ऑब्जेक्ट के थ्रू ओके okay? तो लिंक्ड ऑब्जेक्ट क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है ओके लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स, अ लिंक्ड ऑब्जेक्ट इज Updated, if its source file is changed, okay? यानी कि linked object जो है वो क्या होता है उसको uh, update किया जाता है। अगर जो file source है वो change है, change की गई है या change होती है, for example, link built from data in Microsoft Excel, okay? It changed if द सोर्स एक्सल डाटा चेंजेस ओके दोर्स फाइल मस्ट भी अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर यानी कि सोर्स फाइल सोर्स जो है आपके कंप्यूटर पर अवेलेबल होना चाहिए और नेटवर्क टू मेंटेन द लिंक बिटवीन द इंसर्टेड ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स डाटा ओके इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं द सोर्स फाइल यानी कि फाइल का जो सोर्स है मस्ट वी अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर और नेटवर्क होना चाहिए टू मेंटेन द लिंक बिटवीन इंसर्टेड ऑब्जेक्ट यानी कि जहां पर इंसर्ट करना इंसर्ट ऑब्जेक्ट और सोर्स डाटा जहां वो फाइल है ओके okay? तो इसके लिए क्या करना होगा कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे सो आई विल टेल यू स्टेप्स ओके टू इंसर्ट आर लिंक ऑब्जेक्ट नंबर वन क्लिक इन द स्लाइड वेयर यू वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा उस स्लाइड पर क्लिक करना होगा जहां पर आप इंसर्ट करना चाहते हैं नंबर टू फ्रॉम इंसर्ट टैब उसके बाद आप क्या करेंगे इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे इन द टेक्स्ट ग्रुप टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट और आप क्या करेंगे ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे ओके क्लिक ऑन क्रिएट फ्रॉम फाइल क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे इन द फाइल बॉक्स टाइप द नेम ऑफ द फाइल और क्लिक ऑन ब्राउज बटन टू सिलेक्ट द फाइल फ्रॉम लिस्ट ओके उसके बाद आप क्या करेंगे फाइल में जाकर फाइल बॉक्स पर क्लिक कर देंगे वहाँ पर जो है फाइल नेम टाइप करेंगे या फिर ब्राउज पर क्लिक कर देंगे ब्राउज ऑप्शन है तो यहाँ पर जितनी भी फाइल्स होंगी सब शो करेंगी अगर आपको नेम याद है कौन सी फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर फाइल बॉक्स में जाकर के उसका नेम लिख सकते हैं नहीं अदरवाइज क्या करेंगे ब्राउज पर क्लिक कर देंगे ओके इसके बाद सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ओके बटन और ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे ओके क्या करेंगे लिंक ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी फाइल को अपने प्रेजेंटेशन में उसको यहां पर ऐड कर सकते हैं ओके नेक्स्ट ओके नेक्स्ट नंबर सिक्स है इसमें सेलेक्ट द लिंक चेक बॉक्स उसके बाद लिंक चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे ओके स्टूडेंट्स वन मिनट नंबर सिक्स सेलेक्ट द लिंक चेक बॉक्स उसके बाद लिंक चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे नंबर सेवन डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और उसमें आपको कई ऑप्शन आएंगे उसमें से आप किसी एक ऑप्शन को फॉलो कर देंगे एक तो वन नंबर वन है क्लियर द डिस्प्ले एज आइकन चेक वक्स टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑन योर प्रेजेंटेशन नेक्स्ट है सिलेक्ट द डिस्प्ले डिस्प्लेज आइकन चेक वॉक्स टू डिस्प्ले एन आइकन दैट इज क्लिक टू व्यू द ऑब्जेक्ट ओके इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर आप कर देंगे नंबर थर्ड ओके okay, तो एनी वन यानी कि इसमें टॉपिक नंबर सेवन में मैनी ऑप्शन है थ्री ऑप्शन है या फिर क्या करेंगे टू चेंज द डिफॉल्ट आइकन इमेज और लेवल क्लिक ऑन चेंज आइकन चेंज आइकन पर क्लिक कर देंगे ओके okay? उसके बाद ओके okay बटन पर क्लिक कर देंगे और ये लिंक्ड ऑब्जेक्ट अप्लाई हो जाएगा ओके नेक्स्ट इम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स अबाउट इम्बेडेड ऑब्जेक्ट i will explain i will uh, teach you tomorrow okay students so it's enough for today and take care yourself have a nice day.